लोकसभा चुनाव 2019 के परिणाम से हम सभी परिचित हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि बीजेपी सरकार को पूर्ण बहुमत से जीत के बाद अब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद का शपथ ग्रहण करेंगे। बीजेपी और एनडीए से संसदीय दल के नेता नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के शपथ ग्रहण समारोह के साथ अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत करेंगे और अपने इस कार्यकाल की शुरुआत वो 30 मई को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह से करेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री नियुक्त करते हुए उन्हें केंद्र में सरकार बनाने का न्योता दिया। पीएम मोदी के अलावा उनके मंत्रिपरिषद के नए निर्वाचित मंत्रियों को भी इसी दिन शपथ दिलाई जाएगी। 2014 की तरह इस बार भी मोदी के शपथ समारोह में बाहर के देशों के कई बड़े नेताओं को निमंत्रण भेजा गया है। इस लिस्ट में भारत की सीमा रेखा से जुड़ने वाले देशों के साथ साथ कई अन्य देशों के नाम भी शामिल हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भारत ने पड़ोसी देश पाकिस्तान आमंत्रण नहीं भेजा है। इससे पहले 2014 में जब मोदी पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने थे तो उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को भारत की तरफ से न्योता भेजा गया था। लेकिन पुलवामा कांड और एयर स्ट्राइक के बाद दोनों देशों के बीच और तनाव का माहौल बन गया। इसके साथ ही बंगाल में मारे गए पार्टी कार्यकर्ताओं के परिजनों को भी मोदी के शपथ ग्रहण के लिए निमंत्रण भेजा गया है, जिसे बीजेपी की बड़ी कूटनीतिक जीत बताई जा रही है।